हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर स्टेइंग सेफ एट होम बेटा. ओके, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसीए एजुकेशन हब बानसूर. एंड बिफोर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 1. चैप्टर नंबर 1 में हमने अभी तक 3-4 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं. पहला हमने डिस्कस किया था व्हाट आर न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स. दूसरा हमने डिस्कस किया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमने बात की थी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तीसरा हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस, द फूड मेकिंग प्रोसेस इन द प्लांट. देखिए, आज की एक बहुत छोटी सी वीडियो है. ओके, इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायग्राम ऑफ स्टोमेटा. इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी के में, तो पढ़ना बहुत जरूरी है. चलिए बात करते हैं एक बार, थोड़ा सा हम एक बार रिव्यू ले लेते हैं. रिव्यू में आपको याद होगा हमने इससे पहले डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस. ओके, और फोटोसिंथेसिस में हमने बात की थी कि दिस इज द फूड मेकिंग प्रोसेस इन द प्लांट. ठीक है, और इस फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को कुछ रॉ मटेरियल चाहिए. वो रॉ मटेरियल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर एंड मिनरल्स है. ठीक है बेटा, वाटर एंड मिनरल्स है. ओके, और क्या है? इसके अलावा हमारे पास सनलाइट होना जरूरी है. इसके अलावा क्या चाहिए? क्लोरोफिल होना भी जरूरी है. ठीक है, और हमने देखा था जब ये चारों चीजें किसके अंदर मिलती हैं? फूड फैक्ट्रीज यानी लीव्स के अंदर. तो हमें क्या मिला था? हमें मिल गया था स्टार्च प्लस हमें मिल गया था ऑक्सीजन. अब आपको याद होगा जो हम डायग्राम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे स्टोमेटा को, वो हमने कहाँ यूज किया था? वो हमने यूज किया था CO2 के इनटेक में. ओके, और O2 को एक्सहेल करने में या रिलीज करने में. अंडरस्टैंड बेटा? और हमने बात की थी दीज आर द टीनी पोर्स. इसके ऊपर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, These pores are known as. ठीक है, तो आज इसी छोटे से पोर का मैं डिटेल स्ट्रक्चर आपको बताने वाली हूँ. ओके, चलिए बात करते हैं. और मैं इसको यहाँ से हटा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो, समझ में आ जाए. चलो देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक लीफ है. ठीक है, लीफ है. डिटेल अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी बिकॉज हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं. अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप वापस एक बार जाकर उसको डिस्कस कर सकते हो. इसको मैं जूम करके यहाँ बना रही हूँ. ठीक है, बेटा. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ स्टोमेटा. ओके, अब देखिए हम डिस्कस करते हैं बाहर वाली जो सेल्स हैं, इनको बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स. सब्सिडियरी सेल्स और सी सेल्स सब्सिडियरी सेल्स. इट मींस ये हेल्पिंग सेल्स जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करती है. ये जो आपको पिन शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना आपको, ये स्ट्रक्चर and these structures are known as chloroplast. अंडरस्टैंड? तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ये स्टोमेटा का डायग्राम है बेटा। अगर हम एक छोटे से स्टोमेटा को ज़ूम आउट करके स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। बाहर वाली जो सेल्स होती है उनको बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए जो आपको गार्ड सेल्स दिखाई दे रहे हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है। और ये कैसा है, बीन शेप। इनका एक स्पेसिफिक नेम है कि जो गार्ड सेल्स होती है वो बीन शेप्ड होती है। बीन मीन्स आपने राजमा की सब्जी खाई होगी तो राजमा के शेप जैसी होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो किडनी होती है, ठीक है, जिसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोलते हैं, आप पढ़ेंगे इसको भी सेम क्लास में, तो वो जो किडनी होती है उसकी भी सेप सेम टू सेम यही होती है। तो स्टोमेटा को जो गार्ड करती है, दो गार्ड सेल्स होती है जो स्टोमेटा को गार्ड करती है, ये स्टोमेटल पोर होता है। इज दैट क्लियर? जो बीच का स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन इज स्टोमेटल पोर। ओके, दिस स्पेस इज नोन एज स्टोमेटल पोर। ओके, ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है दिस वन इज नोन एज स्टोमेटल पोर। अंडरस्टैंड? ओके, तो आई होप आपको डायग्राम क्लियरली समझ में आ गया होगा। ओके, आप देखिए होता क्या है जनरली। मैं आपको थोड़ा सा फंक्शन इसमें बता देती हूँ। देखिए जो स्टोमेटल पोर होते हैं वो इस तरह से होते हैं। इनको कौन गार्ड करता है? इनको गार्ड करता है दिस वन इज वन गार्ड सेल एंड दिस वन इज अनदर गार्ड सेल। ये दोनों गार्ड सेल इस स्टोमेटल पोर को गार्ड करते हैं। अब होता क्या है जनरली, जब इस गार्ड सेल के अंदर पानी भर जाता है तो ये गार्ड सेल इस तरह से फूल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, देखिए जनरली आपने ग्राम वगैरह को क्या, चने को आप भिगोते हो तो आप जब भिगोते हो तो उनके अंदर पानी घुस जाता है, वो बहुत फूल जाते हैं। सेम एज गार्ड सेल के साथ होता है। गार्ड सेल इस तरीके से है, जब इसमें पानी भर जाएगा तो ये फूल जाती है। जैसे ये फूलती है तो बीच वाला जो पोर है दिस वन इज स्टोमेटल पोर, तो ये स्टोमेटल पोर क्या होगा, ओपन हो जाएगा। जैसे ही गार्ड सेल से पानी रिलीज होता है, अब ये पानी रिलीज होना या पानी का अंदर जाना ये कुछ आयंस पे डिपेंड करता है, जिसको हम डिटेल 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं। तो देखिए जैसे ही इसका पानी रिलीज होता है तो गार्ड सेल इस तरह से क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती है और वो एक दूसरे से चिपक जाती है। जैसे वो चिपकेंगे तो स्टोमेटल पोर क्या हो गया, क्लोज हो गया। इज दैट क्लियर? तो ये जनरली स्टोमेटा का फंक्शन होता है कि स्टोमेटा ओपन कब होंगे, क्लोज कब होंगे। इट शुड बी डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एट एक्स्ट्रा। लेकिन स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है वो आपको स्पेशली याद रखना है। स्टोमेटा के दो फंक्शन होते हैं, एक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मीडियम मिनट बेटा, एक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक फंक्शन क्या होता है स्टोमेटा का, फंक्शन आप दोनों याद कर लेंगे और लिख भी लेंगे इसको, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। देखिए फर्स्ट फंक्शन होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसका एक्सचेंज O2 एंड CO2। दूसरा जो फंक्शन होता है इवपोरेशन, सॉरी ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा स्टोमेटा का डायग्राम और फंक्शन। पहला एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग। दूसरा है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। देखिए प्लांट से लॉस होना वाटर का बहुत जरूरी है। जैसे गर्मियों में आपको स्वेटिंग होती है, पसीने आने के बाद बॉडी ठंडी हो जाती है, वैसे ही प्लांट से वाटर का लॉस होता है इवोपोरेशन की फॉर्म में, जिसको हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। लॉस ऑफ वाटर थ्रू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जब लॉस होता है तो वाटर जो प्लांट की बॉडी है वो कूल डाउन हो जाती है, जिससे प्लांट का जो क्लोरोफिल है वो डैमेज नहीं होता, क्योंकि क्लोरोफिल अगर डैमेज हो गया तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये आपकी छोटी सी वीडियो थी। आई होप क्लियरली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नोट्स प्रॉपरली आपको प्रिपेयर करने हैं। हैव ए गुड डे।